एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिलसे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की। होंगे काफी हेल्दी होने वाला है और बहुत इजी है बनाना, बहुत ही आसान है। एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक पैन को गैस के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे यहाँ पे, और इसमें एक बड़ी चम्मच से ऐड करेंगे घी, देसी घी है ये। और बहुत अच्छे से पहले इसको अब मेल्ट होने देंगे घी को, और हल्का सा जब ये गर्म होगा, वार्म होगा, फिर इसमें ऐड करेंगे सारे नट्स। तो जो भी नट्स आपको पसंद है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी से काजू ऐड किया, एक छोटी कटोरी से आलमंड ऐड किया, एक छोटी कटोरी से अखरोट ऐड किया, एक छोटी कटोरी से पिस्ता ऐड किया। आपको जो भी नट्स इसमें नहीं पसंद है वो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। इसको अब लो फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आ जाए रोस्ट होने का। जो मार्क्स आते हैं ना, मतलब रोस्ट करने के, वो मार्क्स आने चाहिए। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लो फ्लेम पर ही हमको इन सबको रोस्ट करना है। तो ये करीब करीब 4-5 मिनट के बाद रोस्ट हो गया। अब इसको पैन से निकाल लेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे गैस को, लो फ्लेम रखेंगे। इस तरह से हमें इसको रोस्ट कर लेना है। फिर इसमें जो बची हुई घी है इसी में रोस्ट करेंगे अंजीर। तो यहाँ पे मैंने करीब करीब 10 पीसेज अंजीर के लिए हैं और इसको चॉप कर लिया है ताकि ये पीसने में इजी हो। तो मैंने जस्ट एक अंजीर को 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। और फिर इसमें मैंने ऐड किया डेट्स करीब करीब 15 पीस, और ये डेट्स जो है वो सीडलेस होना चाहिए, विदाउट सीड होना चाहिए। इसमें सीड अगर है आपके पास सीड वाला तो उसको निकाल दें और फिर ऐड करें। इन दोनों को भी लो फ्लेम पर हमें कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये रोस्ट करेंगे ना, ये सॉफ्ट होते जाएगी दोनों, अंजीर और खजूर जो है, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब तक ही हमें इसको रोस्ट करना है। तो बहुत जल्दी ये हो जाता है सॉफ्ट, करीब करीब 1 से 2 मिनट में हो जाता है। जब ये सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें थोड़े से किशमिश ऐड कर देंगे, और किशमिश को डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोस्ट करना है, बस 1 मिनट से भी कम समय के लिए इन तीनों को फिर से रोस्ट कर लेंगे किशमिश डालने के बाद। तो ये हमारा रोस्ट हो गया और इसको भी मैंने पैन से निकाल लिया। इसी पैन में फिर ऐड करेंगे 2 चम्मच पम्पकिन सीड, 1 चम्मच वाइट वाला तिल, और 1 बड़ी चम्मच से यहाँ पे मैंने खसखस ऐड किया। ये तीनों ऐड करने से इस लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये तीनों ज़रूर ऐड करें, पम्पकिन सीड, खसखस और वाइट तिल। इन तीनों को फिर से हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पे। लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों भी हमारा भुन गया। तो इसको अब सारे चीज़ों को, जितने भी हमने रोस्ट किए हैं नट्स को, सबको बहुत अच्छे से पहले ठंडा करना है रूम टेम्परेचर तक। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने ग्राइंडिंग जार में पहले ऐड किया जो हमने रोस्ट किए थे काजू, पिस्ता, अखरोट और बादाम, इसको ऐड करेंगे। और इसी के साथ फिर पीस लेंगे हम ये जो हमने पम्पकिन सीड, खसखस और वाइट तिल को रोस्ट किया था, इसको भी इसी के साथ पीस लेंगे। और इन सबको एक पाउडर फॉर्म में पीसना है, दरदरा पीसना है, एकदम से फाइन पाउडर नहीं करना है, दरदरा रहे बस इतना तक ही पीसना है। बहुत ही हेल्दी ये लड्डू होता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत कम मीठा होता है। इसमें हम ना गुड़ डालेंगे ना चीनी डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीस लिया मैंने, तो इस तरह से ये बन जाना चाहिए। इसको अब दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सेम जार में फिर हम अंजीर और जो डेट्स हैं उसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे सेम जार में फिर ऐड करेंगे ये खजूर और अंजीर को, और किशमिश भी है इसमें साथ में ही, इन सबको फिर से इसमें पीस लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, जस्ट इसको
चलाना है मिक्सर को और इस लेवल तक पीस जा बहुत अच्छे से पीस जाता है। थोड़ा स्टिकी होता है बट ये बहुत अच्छे से पीस जाता है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया, इसको भी थोड़ा स्टिकी है तो अच्छे से निकालें, काफ़ी चिपक जाता है इसमें जार में, तो चिपका अगर नहीं निकले तो हाथों से निकाल के, इजीली निकल जाता है हाथों से तो उसे निकाल लेंगे अच्छे से। तो जो मैंने पैन में रोस्ट किया था इन सारी चीज़ों को उसी पैन में हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया जार से और हाथों से अच्छे से सारे के सारे समेट लेंगे, निकाल लेंगे। फिर इसमें जो हमने ये पीस के रखे थे नट्स के पाउडर फॉर्म, इसको ऐड कर देंगे इस पैन में। चूँकि पैन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि मिक्स करने में इजी होगा, आपको जैसे इजी लगे उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे चम्मच से उतना अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो हाथों से मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है हमें हाथों से, थोड़ा सा मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि वो जो स्टिकी है अंजीर और डेट्स उसके साथ ये जो पाउडर फॉर्म है नट्स के ये सारे अच्छे से चिपक जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा मीठा बनाना है, मीठा चाहिए इसमें, वैसे जो जो डेट्स है और अंजीर है नेचुरली थोड़ा सा हल्का मीठा होता है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया 2 बड़ी चम्मच से हनी। आप यहाँ चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं मिठास के लिए, बट मैं इसको और ज़्यादा हेल्दी बना रही हूँ तो इसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच हनी। इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, मिठास भी आ जाती है और ये लड्डू का स्वाद जो है ना ये दुगुना बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। हनी डालने के बाद फिर से हमें हाथों से ही बहुत अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर इसका एक लड्डू का शेप देंगे। क्लीन कर लें हाथों को, नहीं तो ये लड्डू बनाते समय क्या होता है ना चिपकता है, तो जब क्लीन कर लें तो हल्का सा या तो हथेलियों पर घी लगा लें अप्लाई कर लें या फिर तेल लगा लें और थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन लेके अपनी पसंद के अनुसार, मतलब जितना बड़ा छोटा चाहिए आप अपनी पसंद से इसका साइज दे सकते हैं। मैंने मीडियम साइज का बनाया तो इस तरह से लड्डू का शेप दे देंगे। तो एक साथ 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप बना सकते हैं, दोनों हाथों से भी बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।